राजधानी देहरादून की, जहां पर शहर में सीवर की सफाई हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने को एक नई तकनीकी सीवर सफाई मशीन देहरादून स्थित जल संस्थान से मंगाई गई है। यह मशीन रोबोट तकनीक पर बनाई गई है। इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल ने कहा है कि जल संस्थान और स्मार्ट सिटी के माध्यम से सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी चल रहा है। अभी हमारी जो भी मशीन है वो छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकेगी। रोबोटिक मशीन आने के बाद में छोटी गलियों में भी सीवर क्लीनिंग का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। मशीन आने के बाद जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोबोटिक क्लीनिंग मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है, जिसके आने के पश्चात जो है अभी भी थोड़ा बहुत मैन्युअली हमारे यहाँ वैसे तो होता नहीं है, बट जो मशीन हमें बड़ी बड़ी मशीन होती है छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाती हैं, वो रोबोटिक की मशीन से हम सीवर मैनहोल चैम्बर जो हैं उनको क्लीन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये जल्दी ही प्रोक्योरमेंट इसके अभी चालू है। प्रोक्योरमेंट के बाद आपका ये जल्दी ही हमारा मतलब देहरादून में और हमारे उत्तराखंड में ये चालू हो जाए।